नमस्कार। तो ये एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का टूरिज्म है। तो हेमंत कुमार वेंट टू मैक्सिको टू लर्न अबाउट द आर्किटेक्चरल स्किल ऑफ मायन कल्चर। तो भाई इंडियन बंदा कहाँ पे गया? मैक्सिको में। तो ये कौन सा हो गया, फॉरेन फॉरेन टूरिज्म हो गया या फिर इंटरनेशनल टूरिज्म एज इट इज। फिर पोर्चुगीज टूरिस्ट हैड केम टू गो, वापस से कोई दूसरे कंट्री का टूरिस्ट हमारे कंट्री में आ रहा है, फॉरेन हो गया, फॉरेन या इंटरनेशनल कुछ भी बोल सकते हो। टू सीक अ ट्रीटमेंट इन नेचुरोथेरेपी सेंटर, जॉन एंड अमर वेंट टू केरला। अभी ये जो जॉन और अमर है ये इंडियन है और ये कहाँ पे गए, केरला। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, डोमेस्टिक, क्योंकि भाई इंटरनल ही है तो डोमेस्टिक आएगा। फिर पुंडलीकर का अकॉम्पलिश द चार धाम यात्रा भी थे। अभी चार धाम यात्रा बोले तो मतलब जो चार पिलग्रिमेज है हमारे इंडिया के, तो वहां पे तो ये भी क्या हो गया, रीजनल हो गया, रीजनल और डोमेस्टिक, क्योंकि ये भी इंडिया के अंदर ही है। और रीजनल इसलिए बोला क्योंकि एक ये रीजन है, मतलब ये हिंदुज्म है, क्योंकि चार धाम हिंदू लोग करते हैं। फिर रामेश्वरी फ्रॉम पुणे वेंट टू एंजॉय हुर्दा रोस्टेड ग्रेन पार्टी एंड लर्न अबाउट अ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड इन एग्रीकल्चर। तो अब ये कौन सा हो गया टूरिज्म, एग्रो बेस्ड टूरिज्म हो गया। एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर से सीखने के लिए गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्रो बेस्ड टूरिज्म, ठीक है। सैयद फैमिली वेंट टू अजमेर दरगाह, वापस से सैयद फैमिली। अभी अजमेर गई तो इसको रिलीजन बोलेंगे क्योंकि ये रिलीजन मेथड के पर्पस से गए हैं, और डोमेस्टिक बोलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एफ तक समझ में आ गया रहेगा। मैच द फॉलोइंग, ये बहुत इजी है बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपको इसमें देख के कर सकते हो एक्सप्लेन। तौबा जो है वो चंद्रपुर में है, टाइगर, मतलब इसके लिए तो जीके करना पड़ेगा एक बार और ये इजिली हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप इसको लर्न कर लो, और कुछ है ही नहीं इसका, लर्न कर सकते हो और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अभी आंसर इन ब्रीफ, डिफरेंस बिटवीन करना है रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म। रिलीजियस टूरिज्म मतलब देखो, रिलीजियस मतलब जैसे यहाँ पे आपने देखा रहेगा चार धाम यात्रा हो गया, फिर वो दरगाह जा रहे हैं, तो ये सब रिलीजियस टूरिज्म के बीच में आता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, जैसे एक बहुत बड़ा ये है मोमेडियन का ये है क्या बोलते हैं, दरगाह दरगाह हो गया और मस्जिद मस्जिद हो गई, तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था तो याद आ गया नाम, मक्का मदीना हो गया। तो जैसे कई पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम पीपल है, तो वो वहां पे जाते हैं वर्शिप करने के लिए, तो वो भी एक रिलीजियस टूरिज्म हो गया। फिर कल्चर टूरिज्म, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में लोग वहां का कल्चर देखने जाते हैं कि भाई वहां के लोग कैसे रहते हैं। मणिपुर जाते हैं, वहां का कल्चर देखने जाते हैं। और जो कल्चर रिलेटेड हो गया, मतलब जैसे हम लोग जापान जाएंगे, वहां पे घर वगैरह देखेंगे, हम वहां पे कल्चर सीखने जा रहे हैं उनका, तो वो कल्चर रिलेटेड टूरिज्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जीके पॉइंट अपने आप में दिमाग से निकाल के डाल सकते हो, रिलीजियस को और कल्चर को लेके, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, टूरिज्म क्यों करते हैं पीपल, एक तो नॉलेज के लिए, नॉलेज गेन करते हैं टूरिज्म करके, फिर उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, फिर और क्या करना है कि हमारे जो सोशल है, सोशल कल्चर है, वो पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं टूरिज्म के। जैसे आप कुछ ऐड देखोगे तो राजस्थान का टूरिज्म का ऐड होता है कि पधारो हमारे देश, तो वो लोग दिखाते कि भाई हमारे यहाँ सिर्फ डेजर्ट नहीं, पानी भी है, सिर्फ कैमल नहीं भाई, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी है, तो वो लोग बोलते हैं कि आओ भाई आओ, ऐसा ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ टूरिज्म, ऑफकोर्स अगर गोवा का एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा टूरिज्म होगा तो इफेक्ट तो गिरेगा भाई, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ट्रैफिक इंक्रीज होगा, फिर महंगाई बढ़ेगी। तो जैसे मनाली है, तो मनाली को कितना इफेक्ट गिरा है कि भाई वहां पे अब ज्यादातर थोड़ा मतलब एज कंपेयर टू पहले इतनी ठंडी नहीं लगती, और पब्लिक ज्यादा आती है वहां पे, होटल की कमी हो गई है, होटल में स्टे करने के लिए कमी हो गई है, और वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है। वहां पे मैगी, मतलब यहाँ की जो 12 रुपए की पैकेट की मैगी रहती है, वहां 100 रुपए की बेचते हैं, और इतनी घटिया मैगी रहती है कि खा नहीं पाओगे, लेकिन खाना पड़ता है। तो ये सब कुछ इफेक्ट होते हैं, ठीक है। व्हाट अपॉर्चुनिटी डेवलप विथ द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा टूरिज्म उससे क्या होगा, पैसा आएगा, इकोनॉमिक हमारी अच्छी होगी, शॉप ज्यादा खुलेंगे, पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पीपल ज्यादा एजुकेटेड होंगे, वो ज्यादा टूरिज्म के ऑफिस खुलेंगे, और क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम लोग ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे वर्ल्ड के सामने, और क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा टूरिज्म से, ठीक है।
सजेस्ट अ मेजर आफ्टर एक्सप्लेनिंग अ प्रॉब्लम अराइजिंग एट अ टूरिस्ट प्लेस। अभी आपको ये खुद से सजेस्ट करना है ओन वर्ड में, लेकिन मैं आपको एक बार खुद से बता देता हूँ। देखो कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टूरिज्म को लेकर, जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल में किसका प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत घटिया बास आता है, तो ये हो गया। तो हम कैसे कर सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो हम वहाँ पे साफ सफाई करवा सकते हैं, और जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो थोड़ा कम, मतलब कैसे करेंगे, तो वहाँ पे जो शॉप वगैरह है वहाँ पे शॉप बिल्ड करवा सकते हैं, होटल ज्यादा बिल्ड करवा सकते हैं वहाँ पे, और यही सब कर सकते हैं जो टूरिस्ट प्लेस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एक्सप्लेन विद अ रीजन ऑफ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट दैट कैन बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट सेंटर इन योर डिस्ट्रिक्ट। अभी देखो मैं तो थाने डिस्ट्रिक्ट से वीडियो बना रहा हूं, तो मैं ये थाने डिस्ट्रिक्ट से बनाऊंगा बोलूंगा, तुम कहां से देख रहे हो मुझे पता नहीं, तो तुम अपने डिस्ट्रिक्ट से बताना। तो थाने डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट है, सूरज वाटर पार्क हो गया, फिर अपना हो गया क्या बोलते हैं गायमुख हो गया, फिर हो गया तिकुनी जी वाड़ी, वहां पे चीकू ज्यादा इसलिए मैंने उसे चिकुनी जी वाड़ी निकल गया, तिकुनी जी वाड़ी हो गया, और संग्रीला हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, और गायमुख का बीच हो गया अभी जो नया नया बना है, उपवन लेक हो गया, और क्या हो गया हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तलाव पाली हो गया, मखमली तलाव हो गया। तो मेरे यहाँ तो अनगिनत है। अब आपके यहाँ पता नहीं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, गरीब डिस्ट्रिक्ट से, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, सॉरी मजाक कर रहा था। तो कितना टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है वो आपको पता। ठीक है, लोकल पीपल सॉरी अभी हाँ, और डेवलप्ड कैसे हो गया, देखो डेवलप्ड होते जाता है, टूरिस्ट आता है तो हमें पैसा देता है, हम उनको पागल बनाता है। ठीक है, जैसे अभी संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो जो नॉर्मल यहाँ पे लोकल पीपल है उनके लिए ₹50 टिकट है, और जो मतलब फॉरेन कंट्री है तो हमें पता चल गया भाई ये दूसरे कंट्री से आया तो इससे ₹100 लेंगे, तो उससे हम लोग ₹100 लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो वो लोग कैमरा लाते हैं तो हम उसका भी पैसा लेते हैं, वो कुत्ता लाते हैं हम उसका भी पैसा लेते हैं, और हाँ ये सब हम पैसा लेते हैं। आपको लग रहा होगा नहीं लेते, बट हम लेते हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो हम पैसा लेते हैं, हमें पैसा चाहिए। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। फिर लोकल पीपल गेट एम्प्लॉय ड्यू टू टूरिज्म, हाँ लोकल पीपल को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जैसे आप दिल्ली में कदम रखोगे नीचे तो उनको पता चल गया भाई टूरिस्ट हो, तो सबसे पहले बैग जो आपके कंधे में वो तुरंत आपके कंधे से निकल के उनके कंधे में चला जाएगा, फिर आपको टैक्सी ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आपके मतलब वो आपको राजा बनाएंगे, फिर बाद में जब राजा का ट्रीट होने के बाद वो आपको फिर भिखारी बना देंगे, मतलब आपका सारा पैसा ले लेंगे, मतलब जहां पे 700 का होटल रहेगा वहां पे आपसे ₹1000 लेंगे, और मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है किसी की तरह किसी बढ़े चल एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता है। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो समझ में। अच्छा अभी और सॉरी है मजाक कर रहा था, अभी अतिथि देवो भव, हमारा जो इंडिया है वो अतिथि को बहुत स्वागत करता है, जैसे आपने देखा रहेगा कोल्हापुर सॉरी जैसे कानपुर में देखा रहेगा अतिथि आता नहीं है और हम लोग पान खाते रहते हैं, उसके आगे का तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या होता है फिर अतिथि देवो भव के साथ, तो यहाँ पे पहले तो एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं वरना पता चला आप यही सब लिख के आ जाओगे। ठीक है, तो अतिथि देवो भव हम लोग क्यों करते हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिलता है, हमारा जो इंडियन कल्चर है उनके सामने रिप्रेजेंट होता है, वो फिर अपने कंट्रीज में जाते हैं, फिर वो अपने बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हमारी कंट्री आई की वाहवाही होती है, हमारा कंट्री डेवलप्ड होता है, और इससे काफी सारे फायदे भी होते हैं, हम ट्रेड भी करेंगे उनके साथ, तो भाई वो अच्छा बंदा था, ऐसे ऐसे बातें होती रहती है। अभी थोड़ा फनी वे में आते हैं, जैसे अतिथि देवो भव कानपुर में जाओगे तो भाई थू ऐसे पान खाएंगे थू, आप दिल्ली में जाओगे तो भाई दे देंगे, मतलब जाओ तुम बार में जाओ दारू पियो, ऐसे बोलेंगे वो लोग। ठीक है, तो वो अलग तरीके का वो अतिथि देवो भव होता है और ये अलग होता है, तो हमें एडवांटेज लिखना है ताकि हमें मार्क्स मिले। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, नहीं अभी ये बाकी है इनको। तो द टूरिज्म मैप ऑफ महाराष्ट्र इज गिवन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैप, अभी ये महाराष्ट्र मैप दिया गया है, अभी यहाँ पे कुछ हमसे कुछ महान लोगों ने क्वेश्चन पूछे तो हमें महान तरीके से आता है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेस हैविंग अ हॉट स्प्रिंग, व्हाट आर द रीजन दिस बीइंग लोकेटेड हियर, हॉट स्प्रिंग ये रहा, ऐसे मार्क कहाँ पे मिल रहे, तो हम मैप देखेंगे तो हम लोग यहाँ से देखते हैं हमेशा वेस्ट ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट जाने का, तो यहाँ हो गया वसई रोड में हॉट स्प्रिंग रीजन है ये, उसके बाद ये हो गया सावा हो गया उनेवा हो गया कापेश्वर हो गया किनवात हो गया, अजीब ही गरीब नाम है बट है नाम, तो ये प्लेसेस हैं। और ये क्यों लोकेटेड है भाई, क्योंकि ये ड्राफ एरियाज में आते हैं थोड़े से, मतलब नहीं क्या थोड़ा गर्म एरियाज में आते हैं। एट व्हाट प्लेस डू यू फाइंड द करिलेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड रूट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, भाई देख लो भाई ये तुम्हारा मतलब जो घचड़ा फचड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ये सब बहुत सारे रीजन हो गया, जैसे नागपुर हो गया, धुले हो गया, और ये चंद्रपुर हो गया,
और मुंबई तो है ही अपना, तो ये सब नॉर्मल रीजन हो गए। तो आशा कर दो आपको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। प्लीज 9th अच्छे से देना ताकि आप 10th में कदम रख सके, आपके चुप सुपचरण जा सके 10th स्टैंडर्ड में। मुझे पता है आप या 1 या 2 दिन वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि आप लेजेंड हो, आप पढ़ाई तो किए नहीं रहोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज ये वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।